सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल युन खान से मतलब कैसी अपनी YouTube फैमिली एंड एज यूजल एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज को आज आपको थोड़ा अंधेरा वगैरह दिख रहा होगा तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान वगैरह आया हुआ था तो जिसके लिए अभी तक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है नहीं तो मैं अंधेरे में वीडियो बना दे रहा हूँ बाकी सनलाइट तो है थोड़ा बहुत उसी से काम चल जा रहा है अब बात यह है कि आज हम अपने चैनल में बनाने जा रहे हैं पानीपुरी एंड पानीपुरी वैसा वाला नहीं जो कि हम मतलब इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि बंगाली फुचका जो है वो नहीं अब मुंबई स्टाइल में जिस तरह से पानीपुरी दिया जाता है जो कि चटनी है एंड वो पुदीना पानी के साथ तो मैं आज वैसे ही ट्राई करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी वो खाया नहीं था तो आज मैं वो बनाऊँगा एंड उसको ट्राई करूंगा एंड यहाँ पे मैंने वीडियो में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखे हैं जिससे पानी पूरी जो है बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा अब हाँ पूरी भैया लोग जो बनाते हैं मतलब जो बेचते हैं वो जो बनाते हैं अलग लेवल का है क्योंकि वो जितना एफर्ट देते हैं एक दिन में उसका एक चौथाई भी हम लोग दे नहीं सकते तो घर पे बनाने पर क्या कुछ मतलब रूल्स अब फॉलो कर सकते हो क्या कुछ ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे सब कुछ क्रिस्पी बनेगा वही मैंने आपको बताया तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं पर आफ्टर द म्यूजिक तो पानीपुरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पूरियाँ बनानी है तो जिसके लिए यहाँ पे मैं अभी डो लगाऊंगा डो के लिए यहाँ पे मैंने लिया बिल्कुल एक कप सूजी उसमें जाएगा आधा कप मैदा और आधा चम्मच के आसपास पापड़ खार या फिर बेकिंग सोडा अब सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हमें अच्छे से मिलाना है फिर इसमें जाएगा आधा कप पानी मतलब जितना हमने मैदे का क्वांटिटी लिया था बिल्कुल उतना ही पानी लेना है उससे ज़्यादा हमें बिल्कुल पानी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है अगर मैदा जुड़े ना तो आप एक काम कर सकते हो पानी को अच्छे से उसमें मतलब ये करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दो और एक सेमी हार्ड डो या फिर सेमी सॉफ़्ट डो तैयार कर लो डो जो है बिल्कुल हार्ड नहीं होगा और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा इन बिटवीन दैट मीडियम कुछ रहेगा अब डो बनने के बाद इसको भीगे कपड़े से ढक के लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए देना है और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना सीक्रेट मसाला जो कि हम घर में बनाने वाले हैं तो सीक्रेट मसाला बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए हमें दो चम्मच जीरा का और जीरे को हमें बिल्कुल लोअर फ्लेम में लगभग ब्राउन होने तक भुनना है उसके बाद इसमें जाकर एक इंच दालचीनी और आठ से दस काली मिर्च के और दो लौंग अब इसको अच्छे से भुनना है लोअर फ्लेम में एंड ये जो है अपना पानीपुरी मसाला जो कि है सीक्रेट मसाला तैयार है तो चलो इसको हम अब तो ग्राइंड कर लेते हैं सबसे पहले और इसमें ग्राइंड करने से पहले जाएगा एक चम्मच काला नमक एक चम्मच आमचूर पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बस अब इसको ग्राइंड करने जाते हैं हो गया ग्राइंडिंग फटाक से चलो अपना सीक्रेट मसाला तैयार है अब पानी पूरी का जो पानी है वो तैयार करते हैं तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप धनिया एक कप पुदीना आ, तीन हरी मिर्च और एक नींबू अब सारी चीज़ों को अच्छे से काट लेना है और अब चलो पानी बना लेते हैं फटाफट तो यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया उसमें गया पहले पुदीना उसके बाद धनिया पत्ता अब इसके ऊपर जाएगा नींबू और नींबू को बहुत बढ़िया से निचोड़ लें क्योंकि बहुत दाम है अभी अब इसमें जाएगा थोड़ा सा इमली लगभग तीन से चार बड़े चम्मच और तीन से चार चम्मच के आसपास गुड़ और जाएगा इसमें नमक स्वाद अनुसार और जाएगा दो चम्मच अपना सीक्रेट मसाला जो हमने घर में बनाया है जिसको बोलते हैं रोस्टेड जीरा पाउडर और फिर एक चम्मच सीक्रेट मसाला जो मार्केट से जा ख़रीदना होता है काला नमक और पुदीना आप इस्तेमाल करो तो उसमें बर्फ थोड़ा डाल ही लो क्योंकि कलर ख़राब नहीं होता उससे और इसको फटाफट ग्राइंड कर लेना है ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखेगा और आपको अभी इसमें कुछ नहीं करना है बस इसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करना है ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें ढेर सारा पानी डालना है लगभग तीन से चार कप के आसपास और ये अपना जो पानी है बिल्कुल तैयार इसको अभी क्या करना है फ्रिज में डाल दें आप बिल्कुल मतलब सर्विंग से पहले अगर ठंडा ठंडा रहे पानी तो बहुत खाने में मज़ा आता है और ये देखिए अपना जो डो है वो भी ढल चुका है तीस मिनट हमने इसको ढक के रखा था अब इससे हमें क्या करना है छोटे छोटे पेड़े काट लेने हैं एक्चुअली मेरे साथ ये वीडियो में थोड़ा सा घपला हो गया मैं बहुत बड़े साइज़ का पानी पूरी बना दिया तो आप अपने हिसाब से थोड़ा साइज़ कर लेना क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाता है कि एक ही साइज़ का कैसे काट ले सब कुछ तो थोड़ा मेरे से वो प्रॉब्लम हो गया और मेरे को ये आइडिया नहीं था कि मतलब कितना छोटा हम मतलब पेड़े काटेंगे तो उसमें से कितना बड़ा पूरी निकलेगा तो इसके लिए थोड़ा बड़े साइज़ का मैंने बनाया आप चाहो तो चाहोगे आपके लिए कंपलसरी है छोटा साइज़ ही बनाओगे बेसिकली मेरा जैसा इतना बड़ा बड़ा तो नहीं बनाओगे तो आप अपने हिसाब से बना लेना पर हाँ जो है वो जो ट्रिक, ट्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं क्या बोलते हैं उसको टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें तो एकदम बढ़िया से बनेगा और ये देखिए सारे पेड़े हमने काट के तैयार कर लिए अब इसमें थोड़ा सा मैदा हमको स्प्रिंकल करना है क्योंकि इसको अच्छे से कोटिंग करके अभी और दस मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए अब रेस्टिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप जितना अच्छे से रेस्ट कराओगे इसको जितना अच्छे से इसको मतलब अच्छे से सब कुछ करोगे फिर जाके पानी पूरी अच्छा बनता है तो इसको हम दस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे फिर इसको बेलने का बारी है तो बेलते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें जो पार्ट हम नीचे रखेंगे वो हमेशा ही नीचे रहेगा मतलब पलट ना दें उसको जैसे देखिए मैंने जो साइड को नीचे रखा है उसी को बार बार पलटाते हुए नीचे रख रह रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान रखें पानीपुरी को बेलते वक्त तो आपका जो आधा काम है वो यहीं पे समाप्त है बाकी का आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत है नहीं हर एक पीस फूलेगा आपसे इतना गारंटी मैं लेता हूँ और बिल्कुल इतना बड़ा बेलने के बाद हमें इसको रखने का एक ट्रिक है फॉलो करना है जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर एक प्लास्टिक शीट लिया है और प्लास्टिक शीट में पूरी को हम बिल्कुल इस तरह से रखेंगे जैसे कि हमने बेलते वक्त रखा था कि नीचे का पार्ट है वो नीचे ही रहेगा और ऊपर का पार्ट जो है वो ऊपर रहेगा और इसके ऊपर एक भीगा कपड़ा लेके हमें ढक देना और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है फिर से आधा घंटा अब चलो फ्राई करने का बारी तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने सीक्रेट तेल ले लिया है फिर से जो कि मार्केट से मिल जाता है और तेल गर्म होने के बाद इस पूरीओ को ऐसे छोड़ना है जो कि नीचे वाला पार्ट है वही नीचे जाना चाहिए एंड इसको बिल्कुल ऐसे तेल उछाल उछाल के फ्राई कर लें आज जो है मीडियम रहेगा और देखना पूरी को देख के समझ में आएगा कितना क्रिस्पी बन रहा है और कैसा बन रहा है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है और फ्लेम को हाई तो बिल्कुल ही नहीं करना है इससे क्या होगा बिल्कुल काला काला पड़ जाएगा जो पूरी है तो ध्यान से पकाए थोड़ा और आराम से पकाए कोई दिक्कत है नहीं थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दो और क्या चलो ये दो तो अच्छे से बन गए फिर से मैं आपको दिखाता दूँ ये नीचे वाला सिरा नीचे देखो ये ऊपर बस आपको ऐसे तेल स्प्रिंकल करना है और कुछ नहीं है फुल रहा है आराम से बस बिल्कुल ऐसे ही आपको फ्राई करना है आँच को रहना है मीडियम और अच्छे से ऐसे तेल में इसको फ्राई कर लें बहुत बढ़िया से फूल चुका है पानी पूरी अपना मतलब पूरी जो है पानी पूरी तो बाद में बनाएंगे इसको हम अब इसको क्या करना है आपको किसी एक जगह पे लगभग दस मिनट के लिए छोड़ देना खुले हवे पे फिर जो है एक्स्ट्रा जो कुछ भी है वो निकल जाता है एंड क्रिस्पी ये बन जाता है ये देखो आवाज़ सुनो और एक का आवाज़ सुनो अब चलो पा, पानी तैयार है पूरी तैयार है तो अब हमें क्या करना है बस आलू का मसाला तैयार करना है आलू मसाले के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप उबला हुआ मटर एक कप भीगा हुआ चना दो उबले हुए आलू अब इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज़ और अपना सीक्रेट मसाला जो कि है पानीपुरी मसाला और ये भी है सीक्रेट मसाला मार्केट से ख़रीदना पड़ता है आमचूर पाउडर और इसके बाद जाएगा अपना सीक्रेट मसाला जो कि है काला नमक अब सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और कुछ नहीं करना है आप आलू मसाला अपने हिसाब से बना सकते हो जैसे भी आपको पसंद एंड मेरे पास तो सारे चीज़ यही अवेलेबल वेल थे जो थे तो मैंने इससे ही बना दिया और कुछ नहीं है अलग से मार्केट जाने का झमेला जा नहीं किया मैंने बिल्कुल और ये जो पानी है फ्रिज से निकल चुका है और इसमें जाएंगे थोड़ा सा बूंदी और देखो अभी दिखने में बढ़िया लग रहा है अब इसमें जाएगा फिर से थोड़ा सा अपना जो सीक्रेट मसाला है मतलब पानीपुरी मसाला चलो अपना सारा सेटअप जो है तैयार है अब दुकान लगाते हैं अपना दुकान लगाने से पहले मसाले को अच्छे से मिला लेते हैं इधर उधर करके चलो अब स्टाइल मारना जरूरी है तो मैंने किस बात के लिए इस क्लास में मतलब सर्व किया मेरे को पता नहीं है बस सर्विंग के लिए मैंने सोचा था पर हमारे जो कैमरा मैन है उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है थमनेल सही से नहीं है तो ये हो गया अपना जो इमली और खजूर की चटनी है बहुत आराम से बन जाता है बहुत बढ़िया सा टेस्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका रेसिपी दे दूँगा आपको और ये अपना पानी पूरी या पूरा तैयार है एंड घर में पूरा आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताया सब कुछ ट्राई करके देखो कुछ नहीं करना होता है बिल्कुल आराम से बन जाता है और मेक इट श्योर कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो यू विल डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दो भाई कितने साल से घिसा पड़ा हो यहीं पे कुछ नहीं हो पा रहा चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय